स्पीकर साहब एक पंजाब कल्चर चल पाया मैरिज पैलसां दे विच शादी हुंदी है भावें गरीब है भावें अमीर है जे जे गुआंढी ने शादी की है तो उन्हें नाल दी नूं करनी पवेगी कि इज्जत है सोशल स्टिग्मा है। असी सोच रहे हां कि पिंडां दे विच पहला कम्यूनिटी हाल हुंदे सी कम्यूनिटी हाल नूं आपां इक नवां नां दे दईए एक मैरिज पैलेस टाइप एक जंज घर ज समझ लो भी एक इस तरह का एक एक बिल्डिंग बनाइए जिथे लोग अपने दुख सुख के प्रोग्राम भी कर लिया करन अपने ब्याह शादियां भी कर लिया करन। इहदी एक एग्जाम्पल है महल कलां हल्के का पिंड है चन्नणवाल एम एल ए साहब बैठे ने चन्नणवाल के उन्होंने मुंडिया ने सत्कार कमेटी बनाई हुई है उन्होंने आप ही कम करते बहुत अच्छी मुंडे वो डिवेलपमेंट का काम करते तो किसी पार्टी नाल नहीं जुड़े हुए हो तो उन्होंने एक मैरिज पैलेस बनाया बड़ा शानदार मैरिज पैलेस है मुंडा कुड़ी के तैयार होने रिश्तेदार के बैठने को पिछले कमरे ने सारा कुछ है। उन्होंने जनरल कैटेगरी वास्ते 5000 एस सी कैटेगरी वास्ते 2000 या 2500 रुपया लेंदे ने बाकी तुहाडा अपना वित्त जिहड़ा है वह खर्चा है तुसीं उत्थे व्याह करो क्यों असी उत्थे 2-2 लख रुपया 4-4 लख रुपया ला के करजाई हो जाने। सो पिंडां दे विच असी यह आइडिया लैके आना चाहते हाँ कि आप जिहड़े दुखां सुखां दे भोग पाउणे पाठ दा जां पिंड ने कोई सांझा प्रोग्राम करना कर लो उत्थे पंचायत ने बहना ग्राम सभा बनाउणी बुला लो उत्थे उत्थे स्पीकर लगे होण सब कुछ होवे। सो थोड़ा जिहा पिंडां दे विच जिहड़ा फालतू खर्चे ने उन्हां नूं आपां जे इधर करन च कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा भला होगा। स्पीकर साहब एक पंजाब च कल्चर चल पिया मैरिज पैलेसां दे विच शादी हुंदी है भावें गरीब है भावें अमीर है जे जे गुआंढी ने शादी की है तो उन्हें नाल दी नूं करनी पवेगी कि इज्जत है सोशल स्टिग्मा है। असी सोच रहे हाँ कि पिंडां दे विच पहला कम्यूनिटी हाल हुंदे सी कम्यूनिटी हाल नूं आपां इक नवां नां दे दईए एक मैरिज पैलेस टाइप एक जंज घर ज समझ लो भी एक इस तरह का एक एक बिल्डिंग बनाइए जिथे लोग अपने दुख सुख के प्रोग्राम भी कर लिया करन अपने ब्याह शादियां भी कर लिया करन। इहदी एक एग्जाम्पल है महल कलां हल्के का पिंड है चन्नणवाल एम एल ए साहब बैठे ने चन्नणवाल के उन्होंने मुंडिया ने सत्कार कमेटी बनाई हुई है उन्होंने आप ही कम करते बहुत अच्छी मुंडे वो डिवेलपमेंट का काम करते तो किसी पार्टी नाल नहीं जुड़े हुए हो तो उन्होंने एक मैरिज पैलेस बनाया बड़ा शानदार मैरिज पैलेस है मुंडा कुड़ी के तैयार होने रिश्तेदार के बैठने को पिछले कमरे ने सारा कुछ है। उन्होंने जनरल कैटेगरी वास्ते 5000 एस सी कैटेगरी वास्ते 2000 या 2500 रुपया लेंदे ने बाकी तुहाडा अपना वित्त जिहड़ा है वह खर्चा है तुसीं उत्थे व्याह करो क्यों असी उत्थे 2-2 लख रुपया 4-4 लख रुपया ला के करजाई हो जाने। सो पिंडां दे विच असी यह आइडिया लैके आना चाहते हाँ कि आप जिहड़े दुखां सुखां दे भोग पाउणे पाठ दा जां पिंड ने कोई सांझा प्रोग्राम करना कर लो उत्थे पंचायत ने बहना ग्राम सभा बनाउणी बुला लो उत्थे उत्थे स्पीकर लगे होण सब कुछ होवे। सो थोड़ा जिहा पिंडां दे विच जिहड़ा फालतू खर्चे ने उन्हां नूं आपां जे इधर करन च कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा भला होगा। स्पीकर साहब एक पंजाब च कल्चर चल पिया मैरिज पैलेसां दे विच शादी हुंदी है भावें गरीब है भावें अमीर है जे जे गुआंढी ने शादी की है तो उन्हें नाल दी नूं करनी पवेगी कि इज्जत है सोशल स्टिग्मा है। असी सोच रहे हाँ कि पिंडां दे विच पहला कम्यूनिटी हाल हुंदे सी कम्यूनिटी हाल नूं आपां इक नवां नां दे दईए एक मैरिज पैलेस टाइप एक जंज घर ज समझ लो भी एक इस तरह का एक एक बिल्डिंग बनाइए जिथे लोग अपने दुख सुख के प्रोग्राम भी कर लिया करन अपने ब्याह शादियां भी कर लिया करन। इहदी एक एग्जाम्पल है महल कलां हल्के का पिंड है चन्नणवाल एम एल ए साहब बैठे ने चन्नणवाल के उन्होंने मुंडिया ने सत्कार कमेटी बनाई हुई है उन्होंने आप ही कम करते बहुत अच्छी मुंडे वो डिवेलपमेंट का काम करते तो किसी पार्टी नाल नहीं जुड़े हुए हो तो उन्होंने एक मैरिज पैलेस बनाया बड़ा शानदार मैरिज पैलेस है मुंडा कुड़ी के तैयार होने रिश्तेदार के बैठने को पिछले कमरे ने सारा कुछ है। उन्होंने जनरल कैटेगरी वास्ते 5000 एस सी कैटेगरी वास्ते 2000 या 2500 रुपया लेंदे ने बाकी तुहाडा अपना वित्त जिहड़ा है वह खर्चा है तुसीं उत्थे व्याह करो क्यों असी उत्थे 2-2 लख रुपया 4-4 लख रुपया ला के करजाई हो जाने। सो पिंडां दे विच असी यह आइडिया लैके आना चाहते हाँ कि आप जिहड़े दुखां सुखां दे भोग पाउणे पाठ दा जां पिंड ने कोई सांझा प्रोग्राम करना कर लो उत्थे पंचायत ने बहना ग्राम सभा बनाउणी बुला लो उत्थे उत्थे स्पीकर लगे होण सब कुछ होवे। सो थोड़ा जिहा पिंडां दे विच जिहड़ा
फालतू खर्चे ने उन्होंने आप जे इधर करन च कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा भला होगा।